दोस्तों, अगर आप Amazon पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके कभी ना कभी ये काम आ जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने किसी ऑर्डर की इनवॉइस को या फिर प्रिंटिंग लेबल को दोबारा से प्रिंट करना चाहते हैं, दोबारा से निकालना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो Amazon सेलर ऐप के द्वारा। तो देखिए, आपको यहाँ पर Amazon सेलर ऐप को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, इस तरह का ये पेज आपके सामने आता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो मैनेज ऑर्डर पे हमें जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा नो ऑर्डर्स फाउंड, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी ऑर्डर को शेड्यूल कर देते हो उसके बाद ऑर्डर यहाँ से हट जाता है, ठीक है। फिर कोई नया ऑर्डर आएगा तो वो यहाँ पर शो करेगा। पर बाय चांस मान लो आपने अपने पुराने ऑर्डर की, जिसको आपने शेड्यूल किया हुआ है, उसकी इनवॉइस आपसे खो गई है या फिर फट गई है, या कह लीजिए कि आपको दोबारा से प्रिंट करनी है, तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे फिल्टर पर जाना है। देखिए लिखा हुआ फिल्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर स्टेटस वाले सेक्शन में सेंट लिखा हुआ, देखिए अनसिप्ट के नीचे लिखा हुआ है सेंट, तो सेंट पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों, वो सभी ऑर्डर आपके सामने आ जाएंगे जिनको आपने शेड्यूल किया हुआ है और जो पिकअप के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो देखिए, ये ऑर्डर मेरा शेड्यूल किया हुआ है और ये पिकअप के लिए रेडी है। यहाँ लिखा हुआ है वेटिंग फॉर पिकअप, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है शिप, पर ये अभी मैंने शिप नहीं किया है, अभी ये शिपिंग होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा प्रिंट लेबल, तो प्रिंट लेबल पर आप क्लिक करके आसानी से अपने प्रिंटिंग इनवॉइस को भी और शिपिंग लेबल को भी प्रिंट द्वारा से कर सकते हो। दोस्तों, ये था पूरा तरीका किसी ऑर्डर की इनवॉइस को और लेबल को रिप्रिंट करने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो।